देखिए स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 3। तो टुडेज़ टॉपिक एक्टिविटी 1.1 जो है अपन यहाँ से स्टार्ट करेंगे। और इससे पहले जो है अपन यहाँ तक इस बॉक्स को यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया था, ठीक है। तो देखते हैं क्या है एक्टिविटी 1.1 में। तो टेक टू पॉटेड प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड, कीप वन इन द डार्क और इन अ ब्लैक बॉक्स फॉर 72 आवर्स एंड द अदर इन सनलाइट। तो आपको करना है क्या है कि दो प्लांट लेने हैं, दो पौधे, ठीक है, गमले टाइप, है ना। तो आप ले सकते हैं ऐसे, है ना, अलग अलग, ठीक है, दो एक टाइप के लेने हैं। और एक को क्या करना है आपको, अंधेरे में रखना है कि वहाँ पर कोई भी सनलाइट ना जा पाए, है ना, 72 आवर्स के लिए, मतलब 3 दिनों के लिए, है ना। और दूसरे वाले गमले को जो है आपको, पॉट को सनलाइट के पास रखना है, ठीक है, जहाँ उसको सनलाइट मिलती रहे, ठीक है। तो देखेंगे, परफॉर्म आयोडीन टेस्ट विद द लीव्स ऑफ बोथ द प्लांट्स एज यू डिड इन क्लास 6। तो आप उसका आयोडीन टेस्ट कीजिए अब उनकी लीव्स का, ठीक है। अब आपने जो 3 दिन बाद उन सारे प्लांट्स की जो लीव्स थी, उन दोनों प्लांट्स की लीव्स आप तोड़िए और उस लीव्स का टेस्ट कीजिए, आयोडीन टेस्ट कीजिए, जैसा कि क्लास 6 में आपने किया था। तो क्लास 6 में आपने किया होगा, ठीक है, आपको पता होगा। रिकॉर्ड योर रिजल्ट्स, अपने रिजल्ट बताइए। नाउ लीव द पॉट विच वॉज अर्लियर कैप्ट इन द डार्क इन द सनलाइट फॉर 3 to 4 डेज एंड परफॉर्म द आयोडीन टेस्ट अगेन ऑन इट्स लीव्स। तो अब जब आपने रिजल्ट, मतलब जो टेस्ट था आयोडीन टेस्ट करने के बाद, फिर क्या करेंगे आप, वो वाला जो पॉट था जिसको आपने डार्क में रखा था 72 आवर्स के लिए, 3 दिनों के लिए, फिर उस पॉट को क्या करना है आपको, सनलाइट के पास रखना है, ठीक है, अगेन दोबारा 3 to 4 डेज के लिए, और फिर आयोडीन टेस्ट अगेन उसको करना है, ठीक है, उसकी लीव्स को, उसकी लीव्स के साथ। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस इन योर नोटबुक, और अपनी ऑब्जर्वेशन जो भी है आपको नोटबुक में बतानी है, ठीक है। तो देखेंगे आपको चेंजेस जो है मिलेगा, तो आप देख सकते हैं आयोडीन टेस्ट का सॉल्यूशन आपने 6th में किया था तो आपको पता होगा, ठीक है। अब मैं नहीं बताऊंगा, ये तो आप ही को करना है, और अगर आपको डाउट है तो फिर आप पूछ सकते हो, तो मैं बता दूंगा, ओके, इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। देखते हैं, द लीव्स अदर देन ग्रीन आल्सो हैव क्लोरोफिल। तो लीव्स जो होती हैं, जो ग्रीन नहीं होती हैं, तो उनके पास भी क्लोरोफिल होता है। द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट्स मास्क द ग्रीन कलर, फिगर 1.4। तो इसका मतलब ये कि जो सारी लीव्स आप देख रहे हैं दिस पिक्चर, दिस फिगर 1.4, लीव्स ऑफ वेरियस कलर्स, अलग अलग कलर्स की होती हैं। तो अभी तक अपन ने ये पढ़ा कि जो ग्रीन कलर की होती हैं उन्हीं के पास क्लोरोफिल होता है, और वो जो है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करती हैं। अब इनका क्या, ये जो अलग कलर, अलग अलग कलर्स की हैं, वॉयलेट हैं, है ना, अलग ही अलग कलर्स की हैं, ये देखो आप देख सकते हैं रेड है। तो इनका जो है, इनके पास क्लोरोफिल होता है या नहीं होता है, तो इनमें बताया गया है कि लीव्स जो होती हैं ग्रीन के अलावा उनके पास क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है। तो जो इनका कलर होता है रेड, ब्राउन और अदर पिगमेंट्स, फिर ये अदर कलर क्यों शो करती हैं, क्योंकि ये जो सारे कलर्स जो हैं वो ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं ना, कंपेरेटिवली किसके, ग्रीन पिगमेंट के, ठीक है, क्लोरोफिल के पिगमेंट के कंपैरिजन में ये कलर्स जो हैं इसको मास्क कर लेते हैं, छुपा लेते हैं, ढक लेते हैं, इसीलिए ये कलर्स आपको शो होते हैं, ग्रीन कलर छुप जाता है। फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन दिस लीव्स आल्सो, और फोटोसिंथेसिस तो हो गई क्योंकि दे कंटेन क्लोरोफिल इन देम, उनके पास क्लोरोफिल भी होता है, ठीक है। तो आप देखेंगे, यू ऑफन सी स्लीमी ग्रीन पैचेस इन पॉन्ड्स एंड स्टैग्नेंट वाटर बॉडीज। आपने देखा होगा वाटर बॉडीज़ में, या फिर पॉन्ड, तालाब वालाब में, या फिर कुछ छोटा सा कुछ भी पानी वानी भर जाता है कहीं, तो वहाँ आपको स्लीमी, चिकनी सी और हरी हरी टाइप की जो है, आपको काई वाई बोलते हैं आप उसको जनरली, तो आपको देखने को मिल जाती है ना। और दीज आर जनरली फॉर्म्ड बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड अलगी। तो ये जो है कैसे बनती है, इसका फॉर्मेशन होता है बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड अलगी। अलगी जो है एक ऑर्गेनिजम्स हैं, तो वो सारे जो आपको दिखते हैं ग्रीन पैचेस इन पॉन्ड्स, है ना, स्लिमी होते हैं, फिसलने वाले, तो वो सब जो है वो और अलगी होती हैं, ठीक है, उनके कारण ही। कैन यू गैस वाई अलगी आर ग्रीन इन कलर। तो आप, मतलब ग्रीन इन कलर, इसका कलर जो होता है अलगी का ग्रीन होता है, क्योंकि आप देख सकते हो ग्रीन ही होते हैं वो। दे कंटेन क्लोरोफिल विच गिव्स दैम द ग्रीन कलर, क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल पाया जाता है उनके अंदर, ठीक है, तो इसीलिए उनका कलर ग्रीन होता है। अल्गी कैन आल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस, और अल्गी भी क्या करती है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करती है और वो अपना खाना खुद बना सकती है, ठीक है। तो देखेंगे इन द नेक्स्ट टॉपिक। तो ये होप सो ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब नेक्स्ट टॉपिक
क्या है कि सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। अभी तक अपन ने फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है, बनता है, और इसके साथ साथ ऑक्सीजन भी बनता है, ठीक है। तो अब कार्बोहाइड्रेट के अलावा और भी सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, एज वी हैव ऑल डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर्स, पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, फैट्स होता है। तो ये सारे अदर न्यूट्रिएंट्स कैसे बनते हैं, कैसे सिंथेसाइज होते हैं, तो देखेंगे इसमें। यू हैव जस्ट लर्न्ड दैट प्लांट सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में तो अपन ने पढ़ लिया था कि कार्बोहाइड्रेट बनता है, बट द कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो कार्बोहाइड्रेट जो है आपका कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलके बन जाता है, और दीज आर यूज्ड टू सिंथेसाइज अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज प्रोटीन्स एंड फैट्स। और इनका इस्तेमाल जो है किया जाता है अदर फूड, अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड बनाने के लिए। जैसे अदर फूड कंपोनेंट्स जो हैं आपके कौन कौन से होते हैं, तो आपने पढ़ा था कि कंपोनेंट ऑफ फूड कौन कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स, ठीक है, इन्हीं को न्यूट्रिएंट्स भी बोलते हैं। तो अब आप देखेंगे, बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजीनस सब्सटेंसेस विच कंटेन नाइट्रोजन। तो अभी तक अपन ने ये जाना कि कार्बोहाइड्रेट तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलके बनता है, बट प्रोटीन्स जो हैं वो नाइट्रोजीनस सब्सटेंसेस हैं, वो नाइट्रोजन से बनता है, विच कंटेन नाइट्रोजन, ठीक है। और फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन, तो ये नाइट्रोजन उनको कैसे मिलता है प्लांट्स को, तो आपको पता है, आपको कंपोजिशन ऑफ एयर पता होगा, एयर का कंपोजिशन, एयर में कौन कौन सी गैसेस पाई जाती हैं, तो यू नो वेरी वेल जो लार्ज अमाउंट ऑफ गैस है अपने एयर में वो है नाइट्रोजन। तो देखेंगे, रिकॉल दैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन अबेंडेंस इन गैसियस फॉर्म इन द एयर। तो एयर में जो है नाइट्रोजन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, विच इज़ 78% एंड 21% ऑफ ऑक्सीजन एंड 1% ऑफ अदर गैसेज, ठीक है, उसमें इंक्लूडिंग CO2 एंड अदर गैसेस। तो ठीक है, तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है। तो हाउ एवर प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म। अब पाया जाता है नाइट्रोजन, तो इसका मतलब ये नहीं कि प्लांट्स ले सकते हैं, वो कैन नॉट एब्जॉर्ब, वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाते जैसे CO2 कर लेते हैं ना थ्रू द लीव्स, वो ऐसे नहीं कर पाएंगे। सॉइल हैज सर्टेन बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट गैसियस नाइट्रोजन इनटू अ यूजेबल फॉर्म एंड रिलीज इट इनटू द सॉइल। तो एक बैक्टीरिया जो होता है सॉइल के अंदर मिट्टी में, तो उस बैक्टीरिया क्या करता है, गैसियस नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देता है ना, और कन्वर्ट करके वो यूजेबल बना देता है, उपयोगी बना देता है ना, तो वो फिर यूज़ होने लगती है फॉर द प्लांट्स, है ना। और सॉइल में वो पहले तो उसको नाइट्रोजन को लेता है, फिर सॉइल में, ठीक है, डिसॉल्व कर देता है नाइट्रोजन को, फिर वो नाइट्रोजन जो है वो आप ट्रांसपोर्ट होता रहता है, ठीक है, पूरे प्लांट्स में। तो दीज आर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स अलॉन्ग विथ वाटर, तो ये वाटर के थ्रू चला जाता है फिर, ठीक है, वाटर और स्वाद बाकी सारी चीज़ें रूट्स के थ्रू जाती हैं पूरे पार्ट्स में ऑफ द प्लांट, है ना। तो फिर क्या होगा, आल्सो यू माइट हैव सीन फार्मर्स एडिंग फर्टिलाइजर्स रिच इन नाइट्रोजन टू द सॉइल। और ये तो बैक्टीरिया की बात हो गई है ना, बैक्टीरिया पाया जाता है, ठीक है। और अगर आप देखेंगे फार्मर्स भी क्या करते हैं, फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, जो कि नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा उसमें पाया जाता है, उर्वरक जिसे बोलते हैं, ठीक है, उनमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है, NPK का जनरली यूज करते हैं, नाइट्रोजन, फोस्फोरस और नाइट्रोजन, पोटास और पोटेशियम, है ना, फोस्फोरस, पोटेशियम वगैरह ये सारी चीज़ें यूज करते हैं वो, ठीक है। तो वो भी मिलाते हैं वो सॉइल में, ठीक है, जिससे उसकी फर्टिलिटी बढ़ जाती है, ठीक, और नाइट्रोजन की जो है अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन भी मिल जाता है उनको, बढ़ जाता है सॉइल के अंदर। और इन दिस वे द प्लांट्स फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन अलॉन्ग विद द अदर कंस्टिट्यूएंट्स। तो फिर क्या है कि नाइट्रोजन को मिल जाता है और इससे प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये भी न्यूट्रिएंट जो है प्रोटीन जो न्यूट्रिएंट है वो भी प्लांट में बनने लगता है। तो प्लांट्स कैन देन सिंथेसाइज प्रोटीन्स एंड विटामिन्स, तो प्लांट्स जो है वो प्रोटीन्स एंड विटामिन्स भी बनाते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे ये सारी चीज़ें, ठीक। अब आप देखेंगे अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। देखिए, अब आप देखेंगे अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ इन प्लांट्स जो है, इसमें देर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। अब कुछ और अदर न्यूट्रिशन है प्लांट्स के, अभी तो अपन ने मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ा था, ठीक है, कि क्या क्या होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन,
तो दूसरा भी जो है मोड होता है, तो देखेंगे इसमें क्या है कि कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता, दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड, वो अपना खाना नहीं बना सकते हैं, हाउ डू दे सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर डू दे ड्राइव न्यूट्रिशन, कैसे सर्वाइव करेंगे वो, कैसे जिंदा रहेंगे एंड कैसे न्यूट्रिशन प्राप्त करेंगे, कैसे मिलेगा, लाइक ह्यूमंस एंड एनिमल्स सच प्लांट्स डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस्ड बाय अदर प्लांट्स, तो ये एनिमल्स और ह्यूमंस की तरह ही क्या करते हैं, दूसरे प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं, है ना, दूसरे प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं और उन्हीं से जो है अपना खाना खाते हैं, मतलब लेते हैं, दे यूज़ द हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो ये जो है कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन अपनाते हैं, हेटरोट्रॉपिक, जो कि डिपेंड होते हैं दूसरों पर. Look at figure 1.5. Do you see a yellow wiry branched structure twining around the stem and branches of a tree? तो आप figure 1.5 में देख सकते हैं ये रहा येल्लो स्ट्रक्चर, जो कि एक क्या है, कैसकटा, अमरबेल जिसे बोलते हैं, आपने सुना भी होगा, ऑन होस्ट प्लांट, ये प्लांट पर लटकी हुई है येल्लो येल्लो टाइप, ठीक है, तो ये इस प्लांट इस ट्री से जो है अपना पूरा न्यूट्रिशन लेती है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं इन योर नोटबुक, पॉज करके भी देख सकते हैं वीडियो को. देखेंगे दिस इज प्लांट कॉल्ड कसकटा अमरबेल, तो इस प्लांट को जो बोलते हैं कसकटा बोलते हैं, अमरबेल भी बोलते हैं. इट डजेंट हैव क्लोरोफिल, इसके पास क्लोरोफिल नहीं है, क्योंकि क्लोरोफिल नहीं है तो ये अपना खाना नहीं बना सकती है. इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट इज़ क्लाइंबिंग, तो ये रेडीमेड फूड ही खाती है, जैसे अपन लोग खाते हैं रेडीमेड बना हुआ, है ना, तो जिस प्लांट पर ये चढ़ी हुई है, क्लाइंब किया है इसने, मतलब जहाँ पर ये है चढ़ी हुई है उसी प्लांट से ये अपना सब कुछ खाना वाना प्राप्त करती है, ठीक है, लेती है. दैट प्लांट विच इट क्लाइम्स इट्स कॉल्ड द होस्ट, तो जिस प्लांट से ये प्राप्त कर रही है सारी चीज़ें और जिस पर ये क्लाइंब है उस प्लांट को बोलते हैं होस्ट, ठीक है, तो सिंस इट डिप्राइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स, तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं उस होस्ट प्लांट के डिप्राइव करती रहती है, ठीक है, घटाती रहती है, लेती रहती है उसी से. और कैसकटा इज कॉल्ड द पैरासाइट, तो कैसकटा को अपन पैरासाइट बोलेंगे, ठीक है. और देखेंगे आर वी एंड अदर एनिमल्स आल्सो काइंड ऑफ पैरासाइट्स, तो अपन जो हैं अदर एनिमल्स जो हैं वो भी एक टाइप के पैरासाइट्स हैं क्या, तो यू शुड थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस विथ योर टीचर, और आपको ये सोचना है ना, तो अपन भी डिपेंड हैं दूसरों पर, तो आर वी पैरासाइट्स, तो अपन पैरासाइट्स हैं क्या, तो आप है ना सोच सकते हैं इस बात को. पहेली वॉन्ट्स टू नो वेदर मॉस्किटोज बैड बग्स आर लाइस एंड लीचेस दैट सक अवर ब्लड आर ऑल्सो पैरासाइट्स, तो ये सारे सब कुछ भी पैरासाइट्स हैं क्या, है ना, तो आप बता सकते हैं. देखेंगे हैव यू सीन और हियर्ड ऑफ प्लांट्स दैट कैन ईट एनिमल्स, तो आपने सुना होगा कि प्लांट्स जो हैं, अब ये नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है, पैरासाइट्स जो होती हैं वो पढ़ चुके अपन, पैरासाइट्स क्या होते हैं, दूसरों पर डिपेंड होते हैं, है ना, और वो जो हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन अपनाते हैं, ठीक है, जिस और उसी से ही दूसरों प्लांट पर ही निर्भर होते हैं, दूसरों पर डिपेंड होते हैं, उसी से ही अपना सब कुछ न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं, ठीक है, उसके सारे वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो डिप्राइव करते रहते हैं. तो इसमें ये भी यही दिया है, मॉस्किटोज़ वगैरह ये भी तो यही करते हैं, खून चूसते रहते हैं, ठीक है, तो ये डिपेंड है दूसरों पर, ठीक. तो अब आपने ये सुना होगा कि प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो एनिमल्स को खाते हैं, दैट कैन ईट एनिमल्स, देर आर फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट्स एंड डाइजेस्ट देम, तो ऐसे प्लांट्स जो हैं इंसेक्ट को फंसाते हैं और उनको खा जाते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं. इज इट नॉट अमेजिंग, क्या ये आश्चर्य नहीं है, सच प्लांट्स मे बी ग्रीन और सम अदर कलर, तो ये सारे प्लांट्स जो हैं वो ग्रीन भी हो सकते हैं और अदर कलर्स भी हो सकते हैं. लुक एट द प्लांट इन फिगर 1.6, द पिचर लाइक और जग लाइक स्ट्रक्चर इज द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ द लीव, तो यू कैन सी इन दिस फिगर 1.6 पिक्चर प्लांट जो है दिखाया गया है, तो ये जो है लीफ मॉडिफाइड इनटू पिक्चर लिड, इसका पूरा जो है लेबलिंग की गई है, आप देख सकते हैं इन योर नोटबुक. तो इसका स्ट्रक्चर जो है जग लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है. द एपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म्स अ लिड विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिक्चर, ये जो पिक्चर है इसका ये लिड है, ये ढक्कन टाइप का ना, ये बंद भी हो जाता है, जैसे इंसेक्ट इसमें ट्रैप हो जाता है उसमें बंद हो जाता है, ठीक है, अभी खुला है, ठीक है, जब जाके इंसेक्ट बैठेगा तो अंदर जो है हेयर पाए जाते हैं उसमें ट्रैप हो जाता है, फंस जाता है, और ये लिड जो है वो बंद हो जाता है, ठीक है. तो इनसाइड द पिक्चर देर आर हेयर विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स, तो वो हेयर पाए जाते हैं, मैंने बताया आपको, तो उस हेयर में जो है फंस जाते हैं. और वैन एन इंसेक्ट लैंड्स इन द पिक्चर द लिड क्लोजेज एंड द ट्रैप्ड इंसेक्ट गेट्स एंटेंगल्ड इन टू द एयर, तो मैंने बताया वही, सॉरी,
दिया गया है, इसमें लिड जो है क्लोज हो जाती है और इंसेक्ट जो है ट्रैप हो जाता है, फंस जाता है और हेयर में फंस जाता है। द लिड क्लोजेज एंड द इंसेक्ट इज ट्रैप्ड। लिड क्लोज हो जाती है, इंसेक्ट फंस जाता है। द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेटेड इन द पिचर एंड इट्स न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब। तो जो इंसेक्ट है वो उसको डाइजेस्ट कर लेता है प्लांट, है ना, जैसे डाइजेस्टिव जूसेस अंदर उसके निकलते रहते हैं, जैसे अपने अपन खाना खाते हैं तो अपने जो है स्टोमैक में भी डाइजेस्टिव जूस निकलते रहते हैं जिससे अपना खाना पचता है ठीक है। और गैस्ट्रिक जूस जो है आपका निकलता है अपने पेट में भी, स्टोमैक में, तो ऐसे ही इसके में भी डाइजेस्टिव जूसेज निकलते हैं पिचर प्लांट में और उसके सारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। तो ऐसे प्लांट्स को जो इंसेक्ट्स खाते हैं उनको इंसेक्टिवोरस प्लांट्स बोलते हैं। तो आपको समझना है, ये पूछ सकते हैं ये क्वेश्चन, इज इट पॉसिबल दैट सच प्लांट्स डू नॉट गेट ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल इन विच दे ग्रो। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है क्या कि ये सारे प्लांट्स जो हैं सारे न्यूट्रिएंट्स आपके गेट ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स सॉइल से ही ले सकते हैं जहाँ ये उग रहे हैं। तो देखते हैं, बूजो भी कन्फ्यूज्ड है दैट इफ़ द पिचर प्लांट इज़ ग्रीन एंड कैरीज आउट फोटोसिंथेसिस देन वाई डज इट फीड ऑन इंसेक्ट्स। तो जब ये ग्रीन है फोटोसिंथेसिस कर सकता है तो ये जो है इंसेक्ट्स को क्यों खाता है, ठीक है। तो ये काफ़ी बड़ा सवाल है, आप ही को ढूंढना है। तो अगर आप कन्फ्यूज हो जाते हैं इसमें तो मैं आपको इन द नेक्स्ट लेक्चर समझा दूंगा, ठीक है। एंड यू कैन कमेंट भी, आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखेंगे इन द नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ये सेप्रोट्रॉप्स है ना 1.4। तो ये लेक्चर काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो छोटे छोटे लेक्चर्स में ही पढ़ रहे हैं अपन। तो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो लेक्चर। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।